हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं शहबाज। एक बार फिर से कड़ी सुरक्षा के बीच सीतापुर से रामपुर लाए गए आजम खान, और जिसके लिए उन्होंने कई बार आपत्ति भी जताई थी, बावजूद उसके उनकी पेशी की गई। जी कृष्णा, आपको बता दें रामपुर आजम खान आज आए थे सीतापुर से, और उन्होंने आपत्ति दी थी और उन्होंने कहा था कि मेरी उम्र जो है वो 72 वर्ष से ज्यादा हो चुकी है और ये लंबा सफर है जिससे मुझे आने जाने में काफी दिक्कत हो रही है। लेकिन इन चीजों को दरकिनार करते हुए उनको जो उनका मामला है वो देखा गया और उनको आज फिर यहाँ से सीतापुर शिफ्ट कर दिया है। बिल्कुल शहबाज, जिस तरीके से ये लगातार तीसरी बार उन्हें यहाँ पे लाया गया है, और इस बार उनकी पत्नी और उनके बेटे भी नहीं थे साथ में, लेकिन कड़ी सुरक्षा देखने को मिली है इस बार। जी पिछली बार भी यहाँ पर जो है वो काफी कड़ी सुरक्षा में उनको लाया गया था, और आज जो है वो जज साहब ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए आदेश पारित किया है कि इनको अब जो पेशी होगी वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी। हाँ। और आजम खान या उनके परिवार को रामपुर नहीं लाया जाएगा अगले आदेश आने तक के लिए। अभी आदेश जो है वो जज साहब ने यहाँ से पारित किया है। तो पेशी के दौरान क्या कुछ अहम चीजें हैं जो इस बार देखने को मिली है? जी आपको बता दें आज आजम खान की जो पेशी थी, यहाँ तीन मामले थे आजम खान के। एक दो आचार संहिता के मामले थे जिनमें उनकी पेशी थी, और एक उनके पड़ोसी हैं जिनसे उनका काफी समय से झगड़ा चल रहा है आरिफ खान, उनकी तरफ से मुकदमा आजम खान के ऊपर दर्ज कराया गया था। पेशी थी और इसमें जो है वो दो तारीखें उन्होंने लगाई है। आचार संहिता वाले मामले में जो है वो 13 तारीख लगी है, और आरिफ खान वाले मामले में जो है वो 27 तारीख जज साहब ने लगाई है इनकी पेशी। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद शहबाज।